हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 के वन शॉट रिवीजन लेक्चर में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज के वन शॉट लेक्चर्स में हम सभी पढ़ेंगे साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप में एक और नया चैप्टर, डेथ ऑफ अ पार्टनर यानी साझेदार की मृत्यु। एक क्लास, एक लेक्चर, चैप्टर खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे साझेदार की मृत्यु के बारे में क्या लिखा है। देखिए, लिखा है कि जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, चैप्टर का नाम है साझेदार की मृत्यु, तो मृत्यु की बातें की जाएंगी इसमें और उसका इफेक्ट समझा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो लिखेंगे कि जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो मृत साझेदार के प्रतिनिधि, जो मृत साझेदार के प्रतिनिधि होते हैं यानी कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अथवा उसके वारिस या वैधानिक उत्तराधिकारी, एग्जीक्यूटर भी बोल सकते हैं, या तो रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे या फिर क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव के अलावा हम लोग बोल सकते हैं वैधानिक उत्तराधिकारी को एग्जीक्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर को देय राशि का भुगतान किया जाता है। देय राशि का भुगतान किया जाता है मतलब अगर कोई साझेदार हमारे साथ काम कर रहा है और वो साझेदार डेथ कर जाता है, मृतक हो जाता है, मर जाता है, तो फिर उसका जो भी एग्जीक्यूटर होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, सिंपल शब्दों में कहें तो नॉमिनी होगा, उसको क्या किया जाएगा, उसका जो भी पैसा था कैपिटल से रिलेटेड और जो भी चीज़ें उस पार्टनर से रिलेटेड थी, वो सारा का सारा पैसा उस एग्जीक्यूटर को, उस रिप्रेजेंटेटिव को, उस नॉमिनी को दिया जाएगा। क्लियर है बात। तथा फर्म में उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसा कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर होती है। सिंपल, रिटायरमेंट जो चैप्टर आप पढ़े थे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जितने एडजस्टमेंट हो सकते हैं वो सारे एडजस्टमेंट यहाँ भी होंगे। जैसी जैसी परिस्थिति हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायर करता है तो डेथ में भी यानी कि मृत्यु में भी सेम टू सेम सारे के सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं, सेम परिस्थिति हो जाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है सर? सिंपल सी बात है, एक में तो रिटायर किया है पार्टनर, अवकाश ग्रहण किया, और दूसरे में मर गया है। रिटायर का मतलब अभी जिंदा है, मरा नहीं है, और मरने का मतलब काम खत्म है। तो कहने का अर्थ यह है कि दोनों में अंतर यहाँ बताया है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दोनों में क्या अंतर है ये देखते हैं। पहला अंतर लिखा है, मृत्यु कभी भी हो सकती है। जी हाँ, मृत्यु का दिन जो है वो निश्चय नहीं है, आज हैं कल पता नहीं, रहे ना रहे, तो मृत्यु कभी भी हो सकती है और उसी समय मृतक साझेदार का हिसाब करना पड़ता है। जी हाँ, मृत्यु कभी भी हो सकता है और जब भी मृत्यु हुआ उसके साथ साथ तुरंत मृत्यु हुए साझेदार का हिसाब किताब उसी समय करना पड़ेगा, जबकि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, जो रिटायरमेंट होता है, अवकाश ग्रहण करने पर उसका हिसाब अंतिम खाता तैयार करके करने की तिथि को किया जाता है। यानी अगर कोई मर गया तो हिसाब किताब भाई तुरंत करना पड़ेगा उसी टाइम पे, लेकिन अगर कोई रिटायर होगा तो फाइनल अकाउंट के टाइम पर, लास्ट में, साल के अंत में। ठीक है, दूसरा, मृतक साझेदार का हिसाब किताब उसके वैध उत्तराधिकारी करते हैं, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो एग्जीक्यूटर होंगे, एग्जीक्यूटर शब्द याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, जो एग्जीक्यूटर होगा, जो वैध उत्तराधिकारी होगा वो हिसाब किताब करेगा। लेकिन अगर किसी ने अवकाश ग्रहण किया है किसी साझेदार ने, तो उसका हिसाब किताब वो स्वयं करेगा, जो रिटायर होकर जा रहा है वो स्वयं करेगा हिसाब किताब अपना। सिंपल सी बात है। चलिए, तो दो ये अंतर लिखा था, रिटायरमेंट और डेथ में अंतर क्या होता है। चलिए, वैसे ये अंतर पूछेगा नहीं कि रिटायरमेंट और डेथ में क्या अंतर है, बट लिख दिए हैं कि अगर आ गया गलती से तो बना दीजिएगा। आगे लिखा है अगला टॉपिक, भुगतान सामान्यतः उन्हीं विधियों द्वारा किया जाता है जिस प्रकार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को किया जाता है। अभी अभी बताए थे ऊपर भी कि जैसे रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट्स होते हैं, सेम एडजस्टमेंट डेथ में भी होता है, सेम टाइप से। बस डेथ क्या है, परमानेंट रिटायरमेंट बोल सकते हैं। डेथ को क्या बोल सकते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट ही भाई, जा रहा है कोई, भले मर गया, मतलब जा रहा है, चला गया। तो मतलब ये हुआ कि सेम एडजस्टमेंट होगा जैसे रिटायरमेंट में होता था, वैसे ही सेम एडजस्टमेंट डेथ में भी होगा। मतलब क्या क्या हो सकता है सर? तो मतलब हो सकता है नगदी का भुगतान, मतलब कि कैसे कैश पेमेंट करते हैं हम लोग, किस्तों में भुगतान, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो सकता है, वार्षिक के रूप में भुगतान, यानी कि भाई हर साल में धीरे धीरे तुम्हारा पेमेंट कर देंगे, अगर एक बार में पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, किसका पेमेंट किया जा सकता है, मृतक साझेदार का, डेथ पार्टनर का, डेड पार्टनर जो है ना, उसका, डिसीज्ड पार्टनर बोला जाता है यहाँ पर इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, लिखा है कि यदि मृतक साझेदार के वारिसों यानी उत्तराधिकारियों को यानी एग्जीक्यूटर्स को किस्तों में भुगतान किया जा रहा है, अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जा रहा है, किस्तों में भुगतान किया जा रहा है,
तो यदि कुछ न कहा जाए, यानी कि मान लीजिए कि 5 लाख रुपया देना है सामने वाले पार्टनर को, 1 लाख ही अभी दिए हैं, 5 साल में 5 लाख देंगे, 1 लाख रुपया हर साल, तो अभी 1 लाख दिए, 4 लाख तो अभी बिजनेस में ही है, तो उस 4 लाख रुपये के बारे में क्या, उस 4 लाख रुपये के बारे में क्या, वो 4 लाख रुपया जो है बिजनेस में, अब पार्टनर है नहीं, पार्टनर तो मर गया, लेकिन उसका पैसा 4 लाख बिजनेस में पड़ा हुआ है, तो एक तरह से वो लोन माना जाएगा। तो अगर उस पैसे के बारे में एग्रीमेंट में कुछ खास लिखा ना हो, अगर एग्रीमेंट में ना लिखा हो, तो सिंपली साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा फॉलो की जाएगी, और उसमें लिखा है कि उस पर अदत शेष पर, यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जितना बचा हुआ अमाउंट है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 4 लाख रुपया जो बच गया है, उस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा, 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। क्लियर है बात। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में यह लिखा है कि मृतक साझेदार की पूंजी, मृतक साझेदार की पूंजी के उपयोग किए जाने पर फर्म द्वारा अर्जित लाभ में अनुपातिक हिस्सा भी मिलेगा। मतलब या तो 6% के रेट से इंटरेस्ट दीजिए, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल अगर आप बिजनेस में कर रहे हो और बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में उसको मरे हुए साझेदार के जो उत्तराधिकारी होंगे, एग्जीक्यूटर होंगे, उनको प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा। तो या तो आप 6% का इंटरेस्ट दे दीजिए या प्रॉफिट में हिस्सा दे दीजिए, जो अच्छा लगे देख लीजिए, है कि नहीं। तो ये दो काम किए जाते हैं। चलिए सर, इसके साथ ही ये चैप्टर भी अंत होता है। काफ़ी छोटा सा थ्योरी चैप्टर था, इस चैप्टर में ज़्यादा दम नहीं था। अगला चैप्टर आपको मिलेगा बढ़िया, जिसमें थ्योरी ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर जो ये चैप्टर है, ये जो चैप्टर था साझेदार की मृत्यु, इस चैप्टर में साझेदार की मृत्यु चैप्टर में थ्योरी क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछेंगे, थ्योरी क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछेंगे, प्रैक्टिकल आ सकता है। तो प्रैक्टिकल का प्रैक्टिस इसमें से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको दे सकता है वो LIC वगैरह जो था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित एडजस्टमेंट दे सकता है, रिजर्व वगैरह संबंधित एडजस्टमेंट दे सकता है, ठीक है, गुडविल वगैरह संबंधित दे सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रैक्टिकल में आप लोग कर लीजिएगा। बाकी थ्योरी में इसमें कुछ खास दम नहीं था। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, बहुत छोटा सा लेक्चर रहा आज का। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।